को राजधानी रायपुर की जियाले बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दौरा कार्यक्रम। आप बता दें कि आज जसपुर जिला के दौरा पर रही सीएम साय हुए मंजनिया। 3 बजे रायपुर ले जसपुर पर हो ही रवाना। जसपुर मा अपन बगिया निवास मा लोगन मन ले मुलाकात करी सीएम विष्णुदेव साय। तो बड़े खबर आप बता था जी हाँ, जसपुर के बगिया निवास मा लोगन मन ले मुलाकात करी सीएम विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज दौरा है, अपन गृह जिला जाए वाले हैं। वे सीएम आज जसपुर जिला के दौरा पर रहे वाले। मंजनिया 3 बजे राजधानी रायपुर ले जसपुर पर रवाना हुई। खबर पर जाते जानकारी पर अमर सिंह अमर सहयोगी खोमन साहू जुड़ चुके हैं। खोमन, सीएम विष्णुदेव साय आज अपन गृह जिला जाए वाले हैं, का कुछ जानकारी है लाले के? देखो महिमा, आज मझनिया दोपहर 3 बजे करीब जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बगिया के लिए रवाना हुई। कल बहुत बड़े कार्यक्रम है बूथ मन मा, मोर बूथ मोर अभियान, बड़े अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाए जात हवे। ओकर कारण मुख्यमंत्री है अपन बूथ में जाही, बगिया जाही, बगिया में जाके कल ये जो अभियान शुरुआत होते ओकर शुभारंभ करी। सबसे बड़े बात है अब कैसे जल्दी जल्दी सदस्य बनाए जाए। यही कारण है कि मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, संगठन के तमाम प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी हो, सब जन अब बूथ में बैठी कम से कम 5-5 घंटा बैठी। एक एक जन पदाधिकारी 100-100 जन सदस्य बनाई। तो कल कहीं ना कहीं एक बड़े कार्यक्रम है। वही कारण है कि मुख्यमंत्री आज बगिया के लिए रवाना हुई। हालांकि आज जाए के बाद वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता लोगन मन से भेंट मुलाकात करी, वो मन के समस्या हल करत हुए नजर आई। एक अलावा और कई ऐसे कार्यक्रम रही थे जिनमें वो शामिल हुई। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री के आज दौरा है बगिया में और कल जाके एक बड़े अभियान के वो शुरुआत कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज अपन लोगन मल्ले मुलाकात करी, पहली घर पहुंच के अपन और बाद काली बड़े कार्यक्रम के शुभारंभ करे वाले हैं। तमाम जानकारी पर खोबन आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच राजधानी रायपुर लेकर बड़े खबर है जी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बिलासपुर दौरा है। आप बता दें कि बिलासपुर में राज्य स्तरीय साले क्रीडा प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुई। वे मंझनिया 3 बजे और संजा 5 बजे तक बिलासपुर में स्थित निवास कार्यालय में लोगन मन ले भेंट मुलाकात करी। बता देवन बिलासपुर में ही जिन रात के विश्राम है, रात के आराम है, मुख्यमंत्री करे वाले हैं। बड़े खबर आप लोग बताते हैं जी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज बिलासपुर दौरा पर रहे वाले हैं। तो अपन यू अपन गृह जिला में रहे वाले हैं और अपन निवास ऊपर ही आज रात के आराम करी, विश्राम करी। बड़े खबर है बिलासपुर में अपन लोगन मल्ले मुलाकात करी। बता देवन अपन कार्यालय में स्थित लोगन मल्ले भेंट मुलाकात करी मंझनिया 3 बजे ले लेके संजा 5 बजे तक। एक खबर पर ज्यादा जानकारी पर अमर संघ अमर सहयोगी आशीष दुबे जुड़ चुके हैं। आशीष, उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बिलासपुर दौरा है, का कुछ कार्यक्रम रहे वाले हैं उनके और कितना दिन रहे वाले हैं वहां? देखा फिलहाल जिन प्रारंभिक शासन के तरफ ले जिन प्रोटोकॉल के तहत जारी होते सूची तेन महिमा 3 बजे के बाद आज पूरा दिन गुजरिया है उप मुख्यमंत्री अरुण साव के इहे बिलासपुर में। उनकर घरों ये है बाबजी कॉलोनी में और उनकर ऑफिस भी नेहरू चौक में है। तो आज 3 बजे के बाद जिन है एक तो स्कूली जिन प्रतियोगिता हो है साले क्रीड़ा प्रतियोगिता सबले पहली शामिल हो है और उनकर बाद जिन है कि जतका आदमी मन है जिन जन समस्या वाली है कल हम वह भेंट मुलाकात करी वही नेहरू चौक स्थित सरकारी जिन आवास मतलब मिले है और जिला कार्यालय उपन बनाए। सबले बड़े बात है महिमा की गृह से आना जाना लगे रही थे, परसों भी आए रही थे रतनपुर है वहां पर देखिए मंदिर यहाँ गहरी सिद्धि विनायक मंदिर में कोई कार्यक्रम रही थे ऊपर विधायक मंत्री प्रसंग में रही थे और बराबर आजो की शेड्यूल जिन जमे है जिन थे जिन आदेश में आए तेकर तहत कि आजो के पूरा दिन हम कहीं करियो। सबले अच्छा बात है कि गृह जिला है आदमी मन के लोगन मन के समस्या ल सुनही और उनका निराकरण भी हो है और अच्छा बात ये महिमा के कम से कम बिलासपुर के वही चक्कर व कल्याण भी होते कि यहाँ ले अच्छा अच्छा व्यक्ति अच्छा अच्छा नेता मन उप मुख्यमंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री के बड़े बड़े पद में बैठे बैठे हैं और एक नाम से बिलासपुर आओ ज्यादा बिलासपुर के कहे जाए तो वहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री भी बन चुके हैं। तो खत साहु हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साहु भी बिलासपुर ले आते और बीच बीच में पहुंचते तो कर विकास भी हुआ थे। तमाम जानकारी पर आशीष आपके बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच बात करबो राजधानी रायपुर के जिले बड़े खबर है, पीसीसी चीफ दीपक बैज आज गिरौदपुरी दौरा पर रहे वाले हैं। बेनिया 9 बजे रायपुर ले गिरौदपुरी पर रवाना हुई। आपला बता दें कि गिरौदपुरी जाके गुरु घासीदास के पूजा अर्चना करी।
27 सितंबर ले पीसीसी चीफ, गिरौदपुरी ले छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के शुरुआत करे वाले हैं। यात्रा की तैयारी के निरीक्षण करी तो बता देवन की अब कांग्रेस जेन है वो यात्रा निकाले जाते न्याय यात्रा, कई चीज मल्ला लेके, कई मुद्दा ला लेके अब यात्रा निकाले वाले है। एक खबर पर ज्यादा जानकारी पर हमारे संग हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे संग जुड़ चुके हैं। खोमन, इति कांग्रेस अब न्याय यात्रा निकाले पर जाते हैं और यही बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज आज गिरौदपुरी दौरा पर रही, कहा कुछ कार्यक्रम है? देखा महिमा, 27 सितंबर ले जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी है दीपक बैज के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकलिया है, तो ओकर पहली काबर की गिरौदपुरी एकर कारण जाते कि वहीं ले यात्रा के शुरुआत हुई, तो आज जाके स्थल के निरीक्षण भी करी पूरा रास्ता भर के काबर की गिरौदपुरी ले रायपुर तक ये यात्रा निकलिया 125 किलोमीटर, तो वहाँ जाके जहाँ से सभा होने वाला है, जहाँ शुरुआत होने वाला है, वो जगह के निरीक्षण भी करी और जो कार्यकर्ता वाला जो जिम्मेदारी दे गए ओकर कहीं ना कहीं दिशा निर्देश देवत हुए नजर आई। दूसर बात, गुरु घासीदास के जन्मस्थली में जाते तो वहाँ जाके पूजा अर्चना करी, प्रदेश के सुख समृद्धि के कामना करी जैन तरीके ले, लेकिन ये यात्रा के तैयारी में जुटे हुए भारतीय जनता जो कांग्रेस पार्टी है कल दिन भर राजीव भवन में बैठक चली से, बैठक में अलग अलग लोगन मल्ला रूट के तैयारी दे गिरी से, कंट्रोल रूम में लोगन मल्ला ओकर जिम्मेदारी तय करके, तो सबके अलग अलग जिम्मेदारी तय कर दे, बड़े यात्राएं यात्रा वैया दिन में कतेक सफल हुई ये देखल बात हुई महिमा। बिल्कुल बिल्कुल खोमन, तो फिलहाल तो कांग्रेस के ओर ले सरकार ला घेरे पर तैयारी कर ले गए है और कांग्रेस लगातार हमलावर है, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, अब छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा निकाली, देखना हो कि एमन के न्याय यात्रा जिन्हें वो कितना सफल होते, तमाम जानकारी पर खोमन आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और बात कर वो राजधानी रायपुर की, जी ले बड़े खबर है, बीजेपी 25 सितंबर ले शुरू कर मोर बूथ मोर अभियान, जो प्रदेश के बूथ ऊपर चलाए जा रही अभियान मोर बूथ मोर अभियान में शामिल हुई मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जगदलपुर के आसना बूथ में जाही, वो आप बता देवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर शुरू हुई विशेष सदस्यता अभियान, जो सब मंत्री मल्ला घलो बूथ पर सदस्यता बनाए पर जिम्मेदारी मिल चुके हैं। तो बड़े खबर आप लोग बताते हैं, जी सबो ला बीजेपी 25 सितंबर ले मोर बूथ मोर अभियान शुरू करे जाते, जिला लेके सब बोला जिम्मेदारी दे देंगे, सब मंत्री ला बूथ पर जाके सदस्य बनाए की जिम्मेदारी मिले है। एकर बाद बात कर वो बिलासपुर के, जी हाँ बिलासपुर में सरगुजा मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर रमणेश मूर्ति, बिलासपुर मेडिकल कॉलेज यानी सीम्स के नवा डीएन बनाए गए हैं, बता देवन शासन हा एक बार आदेश जारी करे है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जसवाल हा एक दिन पहले डीन डॉक्टर के सहारे और मेडिकल सुपरिटेंडेंट एस के नायक ला यहाँ सस्पेंड कर दे रही है, जेकर बाद स्वास्थ्य मंत्री बताए कि साइंस में पुराना कार्यकाल में हो खरीदी संदिग्ध संगमाई 10,000 की खरीदी करेगे चादर और आयुष्मान योजना के तहत गलो फर्जीवाड़ा सामने आ रही है, जेकर कारण ले ये बड़े कार्रवाई करेगे है और यहाँ लोगन मन ऊपर सस्पेंशन के गाज गिर गए, सस्पेंड कर देगी इसे लोगन मल्ला। तो आप लोग बता दो बड़े खबर है बिलासपुर के, जो स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर बड़े कार्रवाई करेंगे है। एक खबर पर ज्यादा जानकारी पर हमारे संग हमारे सहयोगी आशीष दुबे जुड़ चुके हैं। आशीष, बिलासपुर में सबले पहली सीम्स अस्पताल बा डीन ला सस्पेंड करेगी, एक डॉक्टर ला सस्पेंड करेगी, सब एक बाद नवा डीन बना देगी से। महिमा देखा, ये बहुत बड़े कार्यवाही है बिलासपुर के लिहाज से, संभाग के सबसे बड़े अस्पताल है सीम्स, वहां ला जिन तरह से पहली तो हमन यही देखत रहे हन कि मरीज मन ला इलाज नहीं मिला थे, लाइन में लगे है, लेकिन जिन घोटाला के बाद सामने आए हैं सबले बड़े मामला ये है बिलासपुर संभाग के, कि मरीज मन के जिन चादर खरीदे गए है, एक एक चादर 10,000 रुपया में खरीदे गए है, सोचा कौन सा चादर खरीदे गए हो है, आयुष्मान घोटाला हो है लाखों करोड़ों रुपया के, यही सब ला देख के कल आए रही से जिन हमार छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जसवाल तेन है डीन ला और सुपरिटेंडेंट डीन के सहारे जेकर ऊपर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, और के सहारे जिन सुपरिटेंडेंट तेला जिन्हें सस्पेंड कर दिए, सबले अच्छा बात बिलासपुर वाले मन भरे है कि जिन नया डीन बने हैं डॉक्टर रमणेश मूर्ति, शासकीय मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के डीन है, तेला प्रभार दिए गए हैं, यहाँ के अनुभवी है, माइक्रो बायोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड रही सी है, और बाद इन्हें वहा मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनी कुछ समय पर डीन के भी प्रभार में रही से, तो सबले अच्छा बात है कि बिलासपुर के तासीर ल समझैया आदमी ल भेजे गए, फिलहाल
और सबले जो अच्छा बात है कि डीन के जिन पद रही थे मेडिकल कॉलेज में तीन कतका बड़े पद रही थे जानता अपन, बिल्कुल बिल्कुल और गंभीरता ला जिन आदमी समझते बिल्कुल बिल्कुल आशीष। तो डीन के पद ऊपर अब जैसे बिलासपुर के जे तासीर जानते ओला नियुक्त कर गए, सबले बढ़िया बात सीम्स अस्पताल पर रही है कि वो यहाँ काम कर रहे हैं। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। अगुवर्धन बता देवन की निर्माणाधीन पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में वन विभाग की टीम छापेमार कार्रवाई करे। गोरेला में करीब 3 करोड़ के लागत ले लोक निर्माण विभाग का दफ्तर बनावा थे, जहां रेस्ट हाउस में ठेकेदार द्वारा यहां सागौन के अवैध लकड़ी के उपयोग करे जात रही से भारी मात्रा में अवैध इमारती लकड़ी और फर्नीचर के यहाँ ले जब्त करे गए है। सागौन और सराई के लकड़ी ले ठेकेदार द्वारा यहाँ फर्नीचर के निर्माण करे जात रही से जब्त लकड़ी की कीमत 15 लाख रुपया के आसपास आके गए। उन्हें बता देवन कि वन विभाग की कार्रवाई के दौरान पीडब्ल्यूडी अधिकारी मन हाय एमा सहयोग नहीं करें। कार्रवाई के दौरान ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बता देवन यहां बाहर के रास्ता देखी न संग माही कई बहाना बनाते भी नजर आए। हमको जहां तक सूचना मिली है कि अवैध लकड़ी यहां पर गिराया जा रहा है, उस सूचना के आधार पर हमने आए हैं। तो अभी तक तो किसी ने अवैध कागज दिखा करके अपना दावा प्रस्तुत नहीं किए हैं और हमने उन लोगों को संपर्क भी करने की कोशिश की किंतु संपर्क नहीं हो सका। अब इसके लिए जांच का विषय है, फिर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। एकर बाद अगला खबर धमतरी ले है, जिया 9वीं कक्षा के छात्रा स्कूल में फांसी लगा ली। बता देवन स्कूल के बाथरूम में फांसी के फंदाओं पर झूल गिस रुद्री थाना के शिशु मंदिर के मामला बताए जाते, जिया ग्राम भोयना के रहे वाले स्कूली छात्र रही से। बता देवन काली बिहनिया स्कूल पहुंचे रही से, ओकर बाद बाथरूम पर छात्रा गए रही से, बाथरूम के दरवाजा अंदर ले बंद रही से। स्कूल की छुट्टी के बाद चौकीदार जब बता देवन बंद बाथरूम के खिड़की ले झाके तब पूरा मामला के खुलासा हुई। फांसी के कारण अभी अज्ञात बताए जाते हैं। रुद्री पुलिस अब शासकीय स्कूल पहुंच के जांच में जुटे हुए हैं। आगुवर्धन अगला खबर कोती, जिया जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस अवैध पिस्टल लेके घूमे वाले आरोपी मल्ला धर दबोचे है। संघ आरोपी के कब्जा ले अवैध पिस्टल संगमाही मैग्नीज और 15 राउंडर बरामद करेगी है। आरोपी करम सिंह कोरबा जिला के रवैया बताए जाते। पुलिस के मुताबिक बीकानेर के पास आरोपी करम सिंह अवैध पिस्टल लेके घूमत रही है। सूचना पर पुलिस दबिश दी सब पूछताछ करे आरोपी कोरबा जिला के निवासी निकल गए, जेकर बाद कब्जा ले अवैध पिस्टल मैग्नीज और 15 राउंड जब करके ओला गिरफ्तार कर लेगी। वीर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो है लक्षणपुर तिराहे के पास बीकानेर सीट के सामने जो है खड़ा है, जिसके पास बैग में एक पिस्टल है। आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसके पास एक ने पिस्टल मिली है। पिस्टल के साथ में ही एक मैगजीन तथा 15 राउंड है, जिस पर कार्रवाई कर इसको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। और अगला खबर दंतेवाड़ा के, जिया दंतेवाड़ा में ईसाई समुदाय के लोगन मन हा एसपी कार्यालय के घेराव करे पर पहुंच गए। जिया बता देवन की घेराव ले पहली पुलिस मल्ला रोक लिस। हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगन मन ईसाई समुदाय में धन परिवर्तन कर ईसाई समुदाय एसपी कार्यालय के घेराव करे पर पहुंचे रही ने। बता देवन भीड़ उग्र होता देख पहली पुलिस प्रशासन ने मल्ला रोक लिस और ज्ञापन दे के बाद सब वो लोगन मन यहाँ वापस चले गए। बता देवन की गांव में दुपक्ष के बीच मारपीट की घटना सामने आ रही है। ईसाई समुदाय के लोगन मन की कहना है कि बीता 22 अगस्त के थाना बारसूर के ग्राम कौशल नारमा सौ दफनायला लेके धर्मांतरित ईसाई समुदाय के लोगन मन संग गांव के लोगन मन मारपीट करे न। गांव के कुछ ईसाई धर्म माने वाले लोगन मन ला दौड़ा दौड़ा के पीटे गिर। जिला लेके थाना बारसूर में ईसाई धर्म माने वाले लोगन मन शिकायत दर्ज कराए रही ने, लेकिन थाना बारसूर के द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी। यही कारण ले एसपी कार्यालय के घेराव करे बड़े मन पहुंचे रही ने। के ग्राम पंचायत सोशल में हुई घटना के संबंध अपने संवैधानिक अधिकारों की मांगों को लेते हुए घटना के संबंध में आज यहाँ पे हमें प्रतिवेदन मिला है, जिसके संबंध में तथ्यात्मक जांच की जाएगी और उसके अनुरूप आवश्यक कार्रवाई। आगुवर्धन बता देवन की सोमवार के छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रथम अखिल भारतीय वेटलिफ्टिंग क्लस्टर का उद्घाटन गृह मंत्री विजय शर्मा करेंगे। बता देवन जहां प्रतियोगिता के शुभारंभ में घलो विमोचन करेंगे। एकर संघ की प्रतियोगिता में भाग ले आए टीम प्रबंधक और क्रीड़ा प्रतियोगिता के अधिकारी मन के परिचय लेंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा कहें कि खेलो मा जीतना और संघ माही हारे ले ज्यादा महत्वपूर्ण, पूरा उत्साह के संघ मा यहाँ खेलना होते। छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी और खिलाड़ी मन के अखिल भारतीय स्तर पर आयोजन पर शुभकामना देंगे।